हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान लॉकडाउन के बीच भले ही अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस में हो, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना वायरस की जंग में देश की मदद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में सलमान खान ने मुंबई पुलिस को सैनिटाइजर दान दी। अब दोबारा सुपरस्टार सलमान खान ने थिएटर कर्मचारियों के लिए राशन किट और खाना भेजने का बंदोबस्त करवाया है, जिसके बारे में युवा नेता राहुल कनल ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया। मेरे पास श्री शिवाजी मंदिर नाट्य गृह के आर्टिस्ट और टेक्नीशियन आए थे। उन्होंने जब अपनी समस्या मुझे बताई तो मैंने तुरंत सलमान खान से बात की और वो मदद करने के लिए राजी हो गए। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा कि श्री शिवाजी मंदिर नाट्य गृह के कलाकारों की ये दुर्दशा हो रही है। इसके बाद मैं जब सलमान खान से मिला तो उन्होंने तुरंत मदद के लिए हामी भर दी। सलमान खान ने श्री शिवाजी मंदिर नाट्य गृह के कलाकार और टेक्नीशियन को राशन किट देने का फैसला किया। इस राशन किट में सलमान खान ने उन लोगों को गेहूं का आटा, 5 किलो चावल, तेल, नमक, चाय पत्ती का पैकेट दिया है। इसके बाद हमने ये राशन किट पहले दिन 188 मजदूरों तक पहुंचाया था। जब हम राशन किट बांट रहे थे तब हमने सुरक्षा उपायों पर ध्यान भी रखा था। तो आपको बता दें कि सलमान खान ने इससे पहले मजदूरों और ज़रूरतमंदों की दिल खोलकर मदद की थी। उन्होंने पनवेल फार्म हाउस पर रहते हुए वहां आसपास रह रहे गरीब लोगों को भी राशन बांटा है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सल्लू मियां बहुत जल्द ही दिशा पटानी के साथ फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड हीरो में अहम किरदार में दिखाई देंगे और ये फिल्म ईद 2020 पर रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण रिलीज डेट को आगे कर दिया गया था।